डॉक्टर मुझे एक और लोगों के मन में है कि ये बुजुर्गों की बीमारी है, क्योंकि लगातार आंकड़े भी यही आते हैं कि जो अगर मृत्यु का आंकड़ा अगर हम माने तो बुजुर्गों का जो 60-65 से ऊपर है उनमें ज़्यादा ये चीज़ हो रही है कि डेथ उनमें ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे ऐसे चलकर भी लोग फ्रीली होके घूम रहे हैं, कुछ यंगस्टर वो मान के चल रहे हैं हमें तो इससे कुछ होगा नहीं। तो इसके बारे में आपने क्या सोचा है और क्या दर्शकों को बताना चाहिए? ये एक भ्रांति है कि ये बुजुर्गों की बीमारी है। असल में ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। जो जो डेटा है, जो रिसर्च है, जो WHO के पास पूरे वर्ल्ड से जो डेटा इकट्ठा हुआ है उससे ही पता चला है कि ये हर एज ग्रुप के लोग इससे अफेक्टेड हैं। बच्चों को हुई है, जवानों को हुई है, वृद्धों को हुई है। फर्क इतना है कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि 80% लोगों के ऊपर इसके माइल्ड असर आते हैं, हल्के असर आते हैं, 20% लोगों के ऊपर बड़े खराब असर आते हैं। तो वृद्धों के ऊपर, वृद्ध थोड़े वल्नरेबल ज़्यादा होते हैं, उनमें इस बीमारी के अटैक हो जाने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, सीवियोरिटी ज़्यादा आती है, मतलब उसके जो प्रभाव हैं वो प्रभाव भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इसलिए ही बस ये डिफरेंस आता है, अन्यथा ये हर वर्ग की बीमारी है और वृद्धों के ऊपर थोड़ा सा इसका असर ज़्यादा दिखाई पड़ता है।